हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स की एक फिक्स नंबरिंग है प्रेजेंट इन, जो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के वन फॉर्मूला यूनिट में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे वी कॉल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअली ये एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड होता है कि आपके पास एक यूनिट है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो किसी स्पेसिफिक नंबर के साथ और वो कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनकर आता है। खैर, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि वन फॉर्मूला यूनिट आप लोग लिख के आएंगे एग्जाम में। अब सपोज करीब हमारे पास जो सिलेबस में कॉपर सल्फेट है, CuSO4, कॉपर सल्फेट, लेकिन अगर ये वाटर के साथ ऐड हो जाता है जिसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, ये डॉट लगाते हैं हम लोग, तो इन 5 मॉलिक्यूल्स को वी कॉल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कैल्शियम सल्फेट की, CaSO4, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच करें विद डॉट, तो यहाँ पर इसे अपन जिप्सम बोलना शुरू कर देते हैं। दिस इज जिप्सम और वी कैन से हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला यूनिट जो सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, उनके साथ अटैच है और उनके साथ जितनी इनकी नंबरिंग है उसको वी कॉल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। थैंक यू।